डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 12th क्लास में अभी इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी के बुक से 7.9 तक के किया था, आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं 7.10। और बहुत अच्छा बात यह है कि 7.10 एक्सरसाइज में से इसमें कुछ भी हम लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ना है, यानी कि इसमें कोई थ्योरी हमें नहीं सीखना है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन करनी है। क्योंकि इस चैप्टर में कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई थ्योरी नहीं है, इवन कि आपको जितने भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितने भी आप 7.89 तक के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने सीखा है, पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट रहेगा, यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। तो चलिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उसमें भी आपको हम ये भी बता देना है फिर से कि 7.10 में ना भाई कोई भी थ्योरी नहीं है। इसमें आपको टोटल शुरू से 7.1 से लेकर 7.9 तक के जो पढ़ा है थ्योरी, उसी में का काम करेगा 7.10 में। इसमें अलग से कोई थ्योरी जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, इन लिमिट है, और ऊपर रहा x और नीचे रहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आपने 7.1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है कि हम किसी को t मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन दिखे, है ना। यानी कि कुछ ऐसे भी इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें से हमको ये देखकर पता चलना चाहिए कि किसको t मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम नीचे वाला जो दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लिया जाए t। तो जब दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देख पा रहे होंगे ना, एक्स स्क्वायर का बन रहा होगा 2x और डी एक्स इंटू डी टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और जिधर x होता है उधर डी एक्स, और t का डिफरेंशिएशन 1 और जिधर t रहता है उधर डी टी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ऊपर तो हमको x से डी एक्स दिख रहा है ना, तो इसलिए आप यहाँ से क्या करेंगे, x से डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x से डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा dt/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इधर हो गया हम लोगों का लिमिट 0 to 1। ऊपर x से डी एक्स दिख रहा है तो x से डी एक्स के जगह पे dt/2, और नीचे को हम क्या माने हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो हम पहले से ही मान रखे हैं t, तो नीचे रख दिया है t। अब आप देखो, इंटीग्रेशन रहे चाहे डिफरेंशिएशन रहे दोस्तों, जब कोई कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। तो ये 1/2 dt/2 एक्चुअली 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिया जाए तो यहाँ बच रहा होगा 0 to 1 और 1/t और dt, ठीक है, 1/t dt। क्यों, क्योंकि ये वाला नीचे वाला तो टी रहेगा ही रहेगा और ये डी टी इधर चला जाएगा। अब बताओ, एक फार्मूला होता है ना भाई 1/x का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है, क्या होता है, लॉग एक्स। इसी तरीके से 1/t dt का हो जाएगा क्या भाई, 1/t dt का हो जाएगा लॉग टी, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब आप देख पा रहे हो 1/2 का तो 1/2 रहेगा, ठीक है, log t, तो इस t के जगह पे क्या रखना होगा हमें, इस t के जगह पे रखना होगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस t के जगह पे। तो यहाँ रख दिया log इस t के जगह पे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1/2 log t हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t और लिमिट 0 से लेकर 1 तक। तो t के जगह पे मैंने कितना रखा भाई, तो t के जगह पे रखा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, t के जगह पे x स्क्वायर प्लस 1। अब हम बताए हैं आपको कि क्या करना है भाई इसके आगे, कि x के जगह पर ना
अपर लिमिट रखना है, तो 1/2 तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, लॉग का लॉग रहेगा। इस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस लॉग, और इस एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट। अब देख लो 1/2 इंटीग्रेट ब्रैकेट 1 और 1 मिल के कितना हुआ भाई, लॉग 2 माइनस लॉग लॉग 0 का स्क्वायर 0 और इसमें 1 जोड़ेंगे। तो अब देखो एक फार्मूला होता है कि लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला होता है भाई लॉग m बटा में n, ये फार्मूला होता है ठीक है। लॉग m माइनस लॉग n क्या फार्मूला होता है, लॉग m बाई n। तो इसको हम लोग m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 1 है, तो इसको कर दिया 1/2 लॉग 2/1, यानी कि 1/2 लॉग 2 इज करेक्ट आंसर ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कोई भी नया थ्योरी इसमें जरूरत नहीं हुआ है दोस्तों, सब क्या है पिछले वाले यानी कि 7.1 से इंटीग्रेशन शुरू होता है, वहाँ से जितनी भी फार्मूला आप पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आप सोचो अब लास्ट हमारा तो इंटीग्रेशन लास्ट हो रहा है, टोटल 7.11 तक है, हम लोग 7.10 में आ गए, तो 7.10 के बाद जो 7.11 भी होगा सब कहीं ना कहीं पहले वाला फार्मूला यूज होगा। खैर अब चलते हैं 1 के बाद हम लोग 2 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, बस ये, और प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन पे ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 0 to π/2 लिमिट है ठीक है, रूट अंडर साइन फाई है, रूट अंडर साइन फाई इंटू कोस के पावर 5π ठीक है इंटू डी फाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, x x रहता है हर जगह, x रहता है, यहाँ फाई है तो उसको लेकर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5π है ना, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कोस के पावर 4π इंटू कोस फाई, क्योंकि कोस कुछ के पावर क्या है 1 और 4 और 1 मिलकर हो गया 5, यानी 5 को ना हम लोग तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए 4 और 1 में, और इंटू डी फाई ठीक है। इसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ के बाद रूट के जो अंदर है, रूट के अंदर क्या है साइन फाई है, तो साइन फाई को लेट, लेट मैंने होता है मानना, टी मान लिया, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है तो यहाँ कोस फाई हो जाएगा और डी फाई हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा डी टी। तो हम यहाँ से चले तो लिमिट वही रहेगा 0 से π/2 ठीक है, रूट अंडर इस साइन फाई को हम क्या रख दिए टी ना, तो ये रूट टी हो जाएगा इंटू कोस के पावर ये कितना है 4 है, तो कोस के पावर 5 कोस के पावर 4π इंटू इस कोस फाई डी फाई के जगह पे, इस कोस फाई डी फाई के जगह पे हम क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं ठीक है। अब देख लो भाई कैसे हो गया, तो 0 से π/2 रूट टी ठीक है इंटू, अब कोस के पावर 4π जो है भाई इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कोस के पावर 2π इंटू कोस के पावर 2π इंटू डी टी, डी टी किसके जगह पे, तो इसके जगह पे कोस फाई डी फाई के जगह पे हम लोगों ने डी टी कर दिया है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो गया
अब देखो इसके बाद क्या कर दो आप ना, यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट टी इंटू, आप देखो 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, होता है ना 10th क्लास में। वहां से आप क्या करो, कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर गया तो माइनस, तो इस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप रख दो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे कोस फाई है। चलिए फिर से होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू डी टी। अब क्या करोगे भाई, 0 से पाई बाई 2 रूट टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस, देख लो साइन फाई को हम लोग क्या माने, टी, तो यहाँ रखना है साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि हम साइन फाई को टी माने हैं, यहाँ रखना है साइन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखो अब क्या करना है भाई, 0 से ना पाई बाई 2 है लिमिट, उसको चढ़ाते चलना है फिलहाल, रूट टी, ठीक है। अब क्या करो, इसको ना 1 को 1 से गुना करो तो 1 होगा, इस 1 को टी स्क्वायर के साथ तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो दोनों के साथ गुना हो गया, इस माइनस टी स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, कितना, तो टी का स्क्वायर को टी के स्क्वायर के साथ, तो टी के पावर 4 इंटू क्या, डी टी। अब उसके बाद हम क्या करें, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, रूट टी को 1 से, यानी कि रूट टी को हम कितना लिख सकते हैं भाई, रूट टी को लिख सकते हैं ना टी के पावर 1/2, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसको लिख ही दो टी के पावर 1/2 और ब्रैकेट, 1 का तो 1 हो गया, माइनस इस टी स्क्वायर और इस टी स्क्वायर एक जाति का है, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 इंटू डी टी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से सब आपस में इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां दिखाते चले आपको, 0 से लेकर पाई बाई 2 लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, तो टी के पावर 1/2 को 1 से करेंगे तो टी के पावर कितना होगा, 1/2, फिर माइनस, यहां देख लो भाई 2 का तो 2 रहेगा, टी के पावर 1/2 को टी के पावर 2 से गुना करते हैं तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 1/2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 का तो 2 रहेगा, टी के पावर बन जाएगा 5/2, ठीक है। और यहां देखो प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, टी के पावर 1/2 को टी के पावर 4 से मल्टीप्ल करना है, तो क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 9/2, यानी प्लस में हो जाएगा टी के पावर 9/2, ब्रैकेट और सबके साथ कौन चाहिए, डी टी। अब क्या करेंगे भाई, एक्चुअली अब हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो सिंपल वे में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस और माइनस में, यहाँ दिख रहा है इंटीग्रेशन ना, सबको अलग अलग तोड़ लेंगे, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा टी के पावर 1/2 डी टी, इसके साथ हो गया, फिर माइनस माइनस 0 से पाई बाई 2, और ये वाला 2 कॉमन कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और टी के पावर 5/2 डी टी, ठीक है, और प्लस 0 से लेकर पाई बाई 2 और टी के पावर 9/2 डी टी। अब हम जानते हैं ना भाई कि किसी भी पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन कोई पूछ दिया तो x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा टी के पावर, ये 1/2 है, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 3/2, तो नीचे भी 3/2, और इसका लिमिट 0 टू पाई बाई 2,
माइनस टू का तो टू रहेगा ना कांस्टेंट, बाहर ही रहेगा, टी के पावर 5/2, तो 5/2 में भी 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा एक्चुअली 5/2 में, और अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी के पावर 7/2, और नीचे भी 7/2 हो जाएगा, और इसका लिमिट कितना 0 से पाई बाई टू प्लस, अब इस टी के पावर 9/2 का इंटीग्रेशन 11/2 ऊपर भी जोड़ दिए 1 और नीचे भी जोड़ दिया जाता है 0 से पाई बाई टू। अब आप देख पा रहे हो भाई कि ये 3/2 है, तो इस 3/2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और टी हम किसको माने हैं देख लो, टी हम माने हैं साइन फाई को, तो इस बार हम जहाँ जहाँ टी है उसके जगह पे साइन रख सकते हैं फाई, लेकिन पावर कितना है टी का 3/2। अब इसका लिमिट रख दीजिए 0 से लेकर पाई बाई टू, माइनस ये वाला 2 नीचे है तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 × 4/7 हो जाएगा, टी माने हैं साइन फाई को, तो यहाँ हो जाएगा साइन 7/2 5, 0 से लेकर पाई बाई टू, प्लस उसी तरीके से इसका हो जाएगा 2/11 साइन के पावर 11/2 5, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई टू। अब तो आराम से आप कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं, 2/3 का 2/3 रखिएगा, और जहाँ फाई है उसके जगह पे अपर लिमिट, कितना अपर लिमिट भाई, तो साइन के पावर 3/2 और यहाँ पाई बाई टू, माइनस साइन के पावर 3/2 और 0, क्योंकि इसका लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट में से रखकर और लोअर लिमिट को घटाएंगे, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है तो याद रखिएगा, साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना 2/3 और 1 के पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है, क्योंकि साइन 0 का तो वैल्यू 0 होगा और इसमें 1 का पावर तो 1 ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू 2/3 होगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, और सबको जोड़ घटा देना है, और जो फाइनल आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा हम लोग मेन आंसर, यानी सब जैसे हम इसको सॉल्यूशन किए वैसे ही अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाकर सबको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, दोस्त फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।